Hello students, a very good morning to all of you. Today we will study about the built-in functions in JavaScript and arrays in JavaScript, conditional statements in JavaScript. Okay, the looping part I will cover in your next class. Okay, next video. So function, जैसे आप C पढ़ते हो, C++ पढ़ते हो या फिर जावा पढ़े हो, फंक्शंस और द मेथड्स. ओके, व्हाट इज इट? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और जहाँ पे कि आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो दैट इज इनसाइड अ ब्लॉक. एंड वहाँ पे फंक्शन का क्या रहता है? डेफिनेशंस रहता है. ओके, यू डिफाइन द फंक्शन इनसाइड दैट. जब वो फंक्शन लिखते हो, कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है, देन कर्ली ब्रेस एंड. सो इन बिटवीन दैट सम कोड्स आप लिखते हो वहाँ पे. ओके, एडिशन का हुआ, सब्ट्रैक्शन का हुआ, मल्टीप्लिकेशन का हुआ आप, और इवन ऑड का हुआ, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव आपको चेक करना है. सो अकॉर्डिंगली यू नेम योर फंक्शन नेम. ओके, सो हियर also in JavaScript there are built-in functions भी होता है आपका, and आपका user defined function होता है. user defined में user give the name of the function, built-in function means which is predefined. okay, जब develop किया गया तभी वो predefined function already present. okay, so today we will study about the built-in functions. so one thing वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शन इज क्या है कि रीयूजेबिलिटी, मतलब और ये आपका प्रोग्राम को क्या है ना, जो भी लेंथी प्रोग्राम अगर हम लोग एडिशन 10 बार करते या फिर सब्ट्रैक्शन 10 बार करते, देन इट विल मेक योर कोड लेंथियर. सो हियर टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम वी विल जस्ट कॉल दैट मेथड एंड अकॉर्डिंगली टू वर्क. लाइकवाइज इन प्रीडिफाइंड मेथड में या फिर बिल्डिंग फंक्शंस में क्या होता है, जैसे प्रिंट एफ होता है आपका सी में. ओके, प्रिंट एलन मेथड होता है जावा में. सो हियर द मेथड का जो हम लोग कॉल करते हैं दैट्स डेफिनेशन इज इन द लाइब्रेरी. ओके, सो इच प्रोग्राम हैविंग सी का सी लाइब्रेरी, जावा का जावा लाइब्रेरी होता है, लाइक वाइज. ओके, okay, these are nothing but how you represent it in JavaScript. आप JavaScript में इस चीजों को किस तरह से लिखते हो या किस तरह से represent करते हो, but the meaning is same. जैसे कि आप C, C++ में पढ़े हो या फिर आप Java में पढ़े हो. okay, functions, methods. okay, so these are nothing but the block of codes. okay, जहाँ पे कि आप कोई कोड लिखे हो जिसको कि आप डिफाइन करते हो फंक्शन का नेम, या फंक्शन डिफाइन करते हो अकॉर्डिंग टू गिविंग द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड दैट फंक्शन को क्या करते हो, आप कॉल करते हो. जब आप कॉल करते हो तो दैट फंक्शन डेफिनेशन में जाता है कर्सर, देन उसके अंदर जो भी कोड रहता है दैट विल एग्जीक्यूट. सो व्हाट आर The advantages of your functions, there are various advantages. उसमें से एक है कि आप क्या करते हो, reusability. okay, which means that कि आप addition का एक कोड लिख दिए, function कोड. okay, and you call it many times. जब भी आप addition function को call करोगे it will execute. ओके, सो उसमें क्या होता है ना, बार बार आप एडिशन का जो भी कोड है उसको लिखना नहीं पड़ता है, विच मेक्स योर प्रोग्राम शॉर्टर, मतलब आपका प्रोग्राम लेंथियर होने से वो बचाता है. ओके, वी जस्ट कॉल इट ओनली. सो वैसे आपका प्री डिफाइंड मेथड भी होता है, जैसे आप प्रिंटर मेथड, स्कैनर मेथड बोल दो, या फिर आप का होता है प्रिंट एलन मेथड जो जावा में पढ़ते हो. सो दीज आर सम प्रीडिफाइंड मेथड हुज डेफिनेशन इज इन योर सी लाइब्रेरी या जावा लाइब्रेरी में है. तो जब हम कॉल करते हैं हम लोग क्या प्रिंट एफ का उसका जो डेफिनेशन है उसको लिखते हैं क्या प्रोग्राम में? नहीं लिखते हैं. सो इट विल जस्ट कॉल फ्रॉम द जावा लाइब्रेरी एंड अकॉर्डिंगली द कोड विल एग्जीक्यूट एंड
इट विल गिव यू द आउटपुट, ओके, जो कि आप आउटपुट स्क्रीन में आप देखते हो. ओके, सो हियर ऑल्सो इन द फंक्शन जावास्क्रिप्ट में आपका एक प्री डिफाइंड मेथड है, दैट इज योर बिल्ट इन फंक्शंस एंड योर यूजर डिफाइंड फंक्शंस. यूजर डिफाइंड मीन्स यूजर गिव द नेम. सो हाउ वी रिप्रेजेंट इट इन द जावास्क्रिप्ट. ओके, एंड एरेस आर ऑल्सो, जब आप लिखते हो, सपोज आपको कोई वेजिटेबल का नाम लिखना है, सो आप एरे ऑफ वेजिटेबल्स लिख रहे हो. ओके, सो आप एक एक बार वेजिटेबल्स का नाम एंट्री ना करके क्या करते हो, आप एक एरे क्रिएट करते हो, उसी में आप एरे का नाम देते हो और वहाँ पे आप सारा वेजिटेबल्स का नाम एंटर करते हो. सो एक एक बार आपको डिक्लेयर करके वेजिटेबल वन इज योर क्या कॉलीफ्लावर ऐसे, या फिर वेजिटेबल टू आपका कैबेज, वैसे लिखना नहीं पड़ता है. ओके, लाइक वाइज. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो जावा बिल्ट इन फंक्शंस. सो फंक्शंस is a reusable code block that will execute whenever it is called. Function is greater time saver. Obviously, जब आपका block मतलब आपका program lengthier नहीं होगा, अब short time period में आपका program लिख के ख़त्म करते हो, then obviously it saves your time. It is used for performing repetitive tasks where you can call the same function multiple time by using the function call. Addition call कर रहे हो तो addition वो 10 बार करो कि 3 बार करो, वो call करोगे and the block of code और definition part में जाएगा, and inside that whatever उसका block में जो भी code लिखा हुआ रहेगा that will execute. Okay. It allows code reusability. JavaScript provides number of built-in functions. There are various built-in functions. बहुत सारा है, number के लिए है, आपका array के लिए है, okay, strings में आप use करते हो, so various. So I will not सब explain नहीं करूँगी, I will show you only. So the basic syntax here is आप script type लिखोगे, the text slash JavaScript, then the function, then function name and whatever parameter you want to pass here, parameter list आप pass करोगे, then आप same thing यहाँ पे curly brace start हुआ, block of code जो start करते हो, then यहाँ पर ending. So inside that the जो भी code रहेगा that will execute, means जो भी statements, then accordingly you close it script. Okay, so for example here simple says hello there. Okay, so here the same thing here, function say hello, function का नाम you start it from your small letter में start करना है, या फिर camel letter आप लिख सकते हो. जब दो word को आप लिखते हो, देखो say एक अलग word है, hello एक अलग word है, so camel letter आप use कर सकते हो, say then hello, then you here alert लिखते हो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहता है alert, so it will print what, hello there. Okay, then calling a function, so here there is a example for you, that is HTML, then head, जैसे आप ये जावास्क्रिप्ट को, ये फंक्शन को आप अपना HTML में कैसे यूज़ करते हो. ओके, सो हेड रहेगा, देन स्क्रिप्ट जैसे लिखा हुआ है, लुक हियर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो देयर. ओके, सो हम लोग प्रिंट करने के लिए यहाँ पे जा क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सो हेलो देयर ये प्रिंट करेगा, देन क्लोजिंग ऑफ द स्क्रिप्ट, देन हेड, देन बॉडी. ओके, आपका बॉडी ये हेडिंग पोर्शन में आप लिख रहे हो. ओके, सो हेड में लिखे हो, देन बॉडी पोर्शन में आपको जो भी लिखना है यू इंसर्ट इट, और इनपुट टाइप बटन कुछ क्लिक करना है, देन बटन क्लिक होगा, देन इट विल शो यू से हेलो. अगर बोलोगे दैट फंक्शन से हेलो फंक्शन यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे फंक्शन है, सो ऑन क्लिक से हेलो फंक्शन हियर, देन द वैल्यूज हियर से हेलो, तो ये क्या प्रिंट करेगा हेलो देन. हियर द बॉडी पार्ट एंड्स हियर, सो आपको क्लोजिंग करना है, देन HTML का जो टैग यहाँ पे लिखे थे उसको भी क्लोज करना है. ओके, सो इट विल प्रिंट दिस थिंग्स.
सो इनपुट टाइप जो आप HTML कोड जैसे लिखते हो उसी टाइप में लिखना है कि यहाँ पे बटन देन ऑन क्लिक, मैंने ऑन क्लिक ऑन द बटन से हेलो, दैट इज द दिस इज द मेथड नेम हियर, द वैल्यू इज से हेलो, वो पास करेगा, इट विल शो यू हेलो देयर. ओके, देन कॉमन बिल्ट इन फंक्शन. सो सम कॉमन बिल्ट इन फंक्शन हियर इज नैन फंक्शन, विच मीन्स दैट इट रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ए नंबर और रिटर्न्स फॉल्स इफ द ऑब्जेक्ट इज ए नंबर. ओके, पार्स फ्लोट जैसे पार्स इंट. सो इफ द स्ट्रिंग बिगिन्स विद द नंबर द फंक्शन रीड्स थ्रू द स्ट्रिंग अंटिल इट फाइंड्स द एंड ऑफ द नंबर, कट्स ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द रिजल्ट. जो भी रिमाइंडर है उसको कट करेगा एंड इट विल शो यू द रिजल्ट. ओके, इफ द स्ट्रिंग डज नॉट बिगिन विद अ नंबर द फंक्शन रिटर्न्स नन. ओके, एन ए एम. पार्स इंट में इफ द स्ट्रिंग बिगिन्स विद एन इंटीजर देन द फंक्शन रीड्स थ्रू द स्ट्रिंग अंटिल इट फाइंड्स द एंड ऑफ द इंटीजर, कट्स ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द रिजल्ट. इफ द स्ट्रिंग डज नॉट बिगिन विद एन इंटीजर देन द फंक्शन रिटर्न्स नन. ओके, मतलब ये वाला फंक्शन. देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट इन टू ए स्ट्रिंग, एवल रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ इवेलुएटिंग एन एरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है. सो दिस आर द कॉमन बिल्ट इन फंक्शन. वैसे आपका नंबर मेथड्स भी होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए ये यूज होता है, टू फिक्स्ड मतलब फॉर्मेट ए नंबर विथ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स, टू द राइट ऑफ द डेसिमल कितना डिजिट रखना चाहते हो, टू लोकल स्ट्रिंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वैल्यू वर्सन ऑफ द करंट नंबर इन अ फॉर्मेट दैट मे वेरी अकॉर्डिंग टू अ ब्राउजर्स लोकल सेटिंग्स. ओके, देन योर टू प्रिसीजन डिफाइंस हाउ मेनी टोटल डिजिट्स विल बी देयर इंक्लूडिंग डिजिट्स टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल टू डिस्प्ले ऑफ अ नंबर. लाइकवाइज ओके, द वैल्यू ऑफ इट रिटर्न्स द नंबर्स वैल्यू जो भी है. देन बुलियन मेथड, बुलियन क्या ट्रू फॉल्स रहता है वैसे, टू सोर्स रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द सोर्स ऑफ द बुलियन ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज दिस स्ट्रिंग क्रिएट एन इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट्स. ये रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट. हियर वैल्यू ऑफ रिटर्न्स द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ द बुलियन ऑब्जेक्ट. वैसे स्ट्रिंग मेथड कैर एट कैर कोड कॉन्कैट टू स्ट्रिंग्स को आप एड ज्वाइन करना है, देन कंबाइंस द टेक्स्ट ऑफ टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स द न्यू स्ट्रिंग. इंडेक्स ऑफ कितना इंडेक्स तक गया है, रिटर्न्स द इंडेक्स विद इन द कॉलिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यूज और माइनस वन इफ नॉट फाउंड. देन लास्ट इंडेक्स कितना है, लोकल कंपेयर लेंथ फंक्शन मैच फंक्शन रिप्लेस फंक्शन सर्च सर्च कर रहे हो कोई तो एग्जीक्यूट द सर्च फॉर अ मैच बिटवीन अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड स्पेसिफाइड स्ट्रिंग. वैसे स्लाइस करने के लिए एक्सट्रैक्ट ए सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स ए न्यू स्ट्रिंग. देन स्प्लिट करने के लिए मतलब अलग करने के लिए सब स्ट्रिंग आपको निकालना है वैसे. ओके, देन लोअर केस टू स्ट्रिंग अपर केस वैल्यू ऑफ लाइकवाइज. ओके, सो हियर स्ट्रिंग HTML रैपर्स भी है, एंकर जो हम लोग HTML पढ़े थे, बोल्ड के लिए, बिग फॉन्ट कलर फॉन्ट साइज के लिए भी आप लिख सकते हो, स्मॉल के लिए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट. देन एरेस मेथड कॉन्कैट द एरे एवरी फंक्शन फिल्टर द एरे फॉर ईच फंक्शन जॉइन इट जॉइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन टू ए स्ट्रिंग. देन पुश पॉप जैसे आप स्टैक में पढ़े थे, पॉप मीन्स क्या, यू रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट्स. पुश मीन्स यू हैव टू ऐड वन और मोर एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द एरे रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे. ओके, देन रिड्यूस राइट रिवर्स रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट मीन शिफ्ट में सम. लाइकवाइज जैसे वैसे आपका डेट मेथड और डेट इट रिटर्न्स टू डेट्स डेट एट टाइम. गेट डेट रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ फॉर द स्पेसिफाइड डेट अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम. सो यू हैव टू नो दिस फंक्शन. इट्स नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर, जब आप आपके ज़रूरत के हिसाब से आप वही फंक्शन को आपको ऐड करना है. ओके, आपको डेट देखना है तो वही सेट डेट की गेट डेट ये सब लिखना है. लाइकवाइज
आपका और सारा बहुत सारा यहाँ पे टू स्ट्रिंग डेट स्टैटिक मेथड्स है, डेट डेट डॉट पार्ट्स, देन मैथ क्या के लिए भी है, सीलिंग के लिए है, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर, लॉगरिथम के लिए है, मिनिमम मैक्सिमम के लिए है, पावर के लिए है, राउंड के लिए है, देन आपका स्क्वायर रूट के लिए भी है, रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड्स, देन आपका टेस्ट है, टू शोर्ट्स, टू स्ट्रिंग. ओके, सो दीज आर द बिल्ट इन मेथड्स. जो इस तरह का आपको प्रोग्राम करना, आप मैथ का एक्सप्रेशन, मैथ का कोई फंक्शन लिख रहे हो, देन यू हैव टू यूज द मैथ फंक्शन. आपका स्ट्रिंग का लिख रहे हो तो स्ट्रिंग का जो भी बिल्ट इन मेथड्स है आप यूज कर सकते हो. ओके, सो दीज आर अबाउट योर बिल्ट इन फंक्शंस इन जावा. देन कम टू एरे. ओके, सो एरे में आपका क्या होता है ना, एरे आप क्यों यूज करते हो, तो जावास्क्रिप्ट एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल्स. ओके, सो सिंपली जैसे आप लिखते हो कि वेर, देन ब्रांड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देन एचपी, डेल, एचसीएल. सो व्हाट इज एन एरे, एरे इज ए स्पेशियल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम. एट ए टाइम आपको मोर देन वन वैल्यू वन बाय वन एंट्री ना करके क्या, इट होल्ड्स मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज जितना आप उसका साइज मेंशन किए रहोगे. लाइक यहाँ पे देखो, एक लाइन में यहाँ पे लिखे, तो हम लोग इसको ऐसे ब्रांड वन, ब्रांड टू, ब्रांड थ्री ना लिख के, अगर हम लोग ऐसे, अगर 100 नंबर रहेगा या 300 नंबर रहेगा, तो क्या एक एक बार एंट्री करना क्या टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इट विल मेक योर कोड लेंथियर आल्सो. सो टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, टू फॉर दैट द सॉल्यूशन इज एरे. ओके, सो आप इस वैसे आप लिख सकते हो. सो एन एरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर ए सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर. आप क्या करते हो, जैसे कि एरे का साइज आपका क्या, जीरो, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हुआ, देन एरे साइज आपका 5 एलिमेंट्स है, मतलब 0 to 4 आपका इंडेक्सिंग जाएगा. ओके, वहाँ पे आप एंट्री करोगे एंड इंडेक्स आप देखोगे कि अगर इंडेक्स 1 में अगर 5 है, तो जो भी आपका एरे का नाम है ए ऑफ जो 5, ए ऑफ 2 या फिर ए ऑफ 1 में क्या है, 5 है. सो 5 इज असाइंड, जो भी असाइंड हुआ है कहाँ पे है, दैट इज एरे का इंडेक्स 1 में 5 असाइंड हुआ है. ओके, सो क्रिएटिंग एन एरे यूजिंग एन एरे लिटरल्स इज द इजिएस्ट वे टू क्रिएट ए जावास्क्रिप्ट एरे. सो वेयर, देन एरे नेम आप नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे वहाँ पे वेयर क्या लिख रहे थे, आप लेटर लिख रहे थे, देन आप अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो. सो ये लेटर्स यहाँ पे एरे नेम, जो भी आपको एरे नेम देना है आपका एरे नेम यहाँ पे लिख सकते हो, देन आइटम 1, आइटम 2, जो भी, दैट्स द एग्जांपल. स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, अ डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल टाइम्स. ओके, सो हियर दिस थिंग्स आप इस वे से आप लिख सकते हो इसके अंदर. सो इट्स इन वन लाइन, इट शुड बी इन वन लाइन. ओके, सो यूजिंग द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू, सो यहाँ हम लोग एरे क्रिएट करते हैं. ओके, सो एरे तो वेयर देन कार्स न्यू एरे. ओके, देन इसी चीज को यहाँ पे लिख दें. सो द टू एग्जाम्पल्स अबव डू एग्जैक्ट द सेम थिंग्स, देर इज नो नीड टू यूज न्यू एरे. फॉर सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड यूज द फर्स्ट वन इस तरह से. ओके, एंड द एरे लिटरल मेथड, ये क्या है लिटरल मेथड, मतलब लिटरल क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल होता है कि जो भी आप वैल्यू पास किए रहोगे दैट विल असाइन टू दैट स्ट्रिंग. ओके, सो इसी तरह से ये आप लिटरल मेथड में लिख सकते हो. सो एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट्स बाय रेफरिंग द इंडेक्स नंबर. ओके, जैसे कार्स जीरो में क्या है, सो ये आपका पहला आता है ना, तो जीरो में ये आएगा. सो आप इसको लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. सो हियर दैट इज योर डेमो, तो डॉट इनर एचटीएमएल कार्स जीरो. इस वे से आप अलग वे से भी लिख सकते हो, नॉट दैट एरे इंडेक्सेस स्टार्ट विथ योर जीरो, दैट यू नो.
सो जीरो इज द फर्स्ट एलिमेंट, वन इज द सेकेंड एलिमेंट हियर. सो फर्स्ट में आपका आएगा ये वन, ये देन ये देन ये. तो जीरो इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स देन सेकेंड इंडेक्स. ओके, सो हाउ यू चेंज इट. सो कार्ड्स, ये जीरोथ इंडेक्स में आपको क्या करना है. फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स में क्या है, ये सैप, ये है. आप कुछ भी कार का नाम दे सकते हो. ओके, सो इंडिगो, सी एस, मारुति, कुछ भी. देन आप क्या कर रहे हो, उसका नाम को चेंज कर सकते हो यहाँ पे. ओके, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग असाइन किए तो ये चेंज हो जाएगा. सो नाउ वेयर कैट्स, ये सब लिखा हुआ है. नाउ दिस वन इज असाइन टू दिस. है तो एक ही मेमोरी लोकेशन ना, जो इंडेक्सिंग आप किए हैं उसमें जीरोथ इंडेक्स में आपका ये था, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको यहाँ पे असाइन कर रहे हैं. तो सेम थिंग यू विल राइट हियर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय दी द डेमो इनर डॉट इनर एच टी एम एल का जीरो. नाउ इट विल शो यू दैट यहाँ पे आपका क्या आएगा, ओपेल. ओके, एक्सेस द फुल एरे विद द जावास्क्रिप्ट. द फुल एरे कैन बी एक्सेस बाय रेफरिंग द एरे नेम. जो भी एरे नेम रहेगा उसके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. लाइकवाइज, सो एरेज आर ऑब्जेक्ट्स. सो इन जावा एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. यू नो दैट एरे आर ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट फॉर एरेज. बट द जावास्क्रिप्ट एरेज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एरेज. सो एरेज यूज नंबर्स टू एक्सेस इट्स एलिमेंट्स लाइक हियर दिस वन. ओके, सो यहाँ पे जो पर्सन, जीरोथ इंडेक्स, then second, then fourth. So objects use names to access its members. In the example, क्या person dot first name returns क्या लिखेगा, John. The first name ये आएगा, last name ये आएगा, then age अगर मैं लिखूंगी इस तरह से. Okay. So array elements can be objects. So JavaScript variables can be objects. Array are special kinds of objects. Because of this, you can have variables of different types of same arrays are there. This my array 0, आप इस तरह से लिख सकते हो. My array 1, my function, my array 2, my. So you can have objects in the array. You can have functions in an array. You can have arrays in an array. सो एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स में आप लिख सकते हो. द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द जावास्क्रिप्ट एरे आर बिल्ट इन एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. हम लोग बिल्ट इन एरे का मेथड्स सब लिखे, उसको भी एक्सेस करके आप लिख सकते हो. सो जब आप कास्ट डॉट लेंथ लिख रहे हो, द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स देयर. ओके, देन कास्ट डॉट शॉर्ट लिख रहे मेथड, देन द शॉर्ट मेथड sorts array. Okay, the length property also, the length property of an array returns the length of the array jitna hai utna. To kya hai ye, 1 2 3 4. So the length, ye jo fruit jo likhe ho dot length, to ye kitna return kare, 4 to. But this indexing start from 0 1 2 3, but the elements jo yahan pe present hai kitna hai, 4 to hi hai. Accessing the first elements here, fruits, banana, orange, apple, mango. So the where first आप लिख सकते हो fruits of zero. So इसको assign करोगे तो first क्या आएगा, banana. Accessing the last array, तो where last यहाँ पे लिख सकते हो and the fruits का जो भी length रहेगा, fruits dot length कितना था, यहाँ पे कितना return किया था, that is 4. Okay, so 4 minus 1. That is, ये इंडेक्स आएगा कितना, फ्रूट्स 3 इंडेक्स, 4 minus 1 थर्ड इंडेक्स आएगा. तो ये क्या आएगा, मैंगो. लूपिंग एरे, सो ऑब्वियसली यू यूज मल्टीप्लीकेशन या फिर आप मैट्रिक्स में लिखते हो तो आप क्या फोर लूप यूज करते हो. सो वेयर फ्रूट टेक्स ये सब, तो फ्रूट्स बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, फ्रूट लेंथ, फ्रूट्स डॉट लेंथ, टेक्स्ट आप लिखोगे, देन आप लूप गिराओगे यहाँ पे फ्रूट्स का लेंथ कितना है. ओके, लाइकवाइज यू हैव टू स्टडी दिस थिंग्स. आप इस हिसाब से आप लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज द एरे डॉट फॉर ईच फंक्शंस. जैसे आप फोर लूप रहता है, ऐसे फोर ईच भी आप यूज कर सकते हो, फोर ईच फंक्शंस. सो इस वे से लिखोगे, फ्रूट्स फॉर ईच माई फंक्शंस, देन टेक्स्ट प्लस, देन इसका स्टार्टिंग हुआ, दिस इज द क्लोज. ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट जो पढ़े थे. सो फंक्शन, माई फंक्शन, देन वैल्यू, जो भी पैरामीटर यहाँ पर रहेगा, टेक्स्ट, देन
list of values are there starting at the end. Adding arrays element in the arrays, adding array elements. So the easiest way to add a new element to an array is using the push method. So you have to enter the new things in the array. So the where fruits, यहाँ पे चार तो element है. I want to add the third, the fourth, fifth element. So as a new element, element to the fruit. So new element can also be added to an array using the length property. हम लोग use करके लिख सकते हैं. Okay. किस जगह में एड करना है. सो दिस इज द एग्जाम्पल. दिस एज ए न्यू एलिमेंट लेमन टू द फ्रूट्स, इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो. सो द वार्निंग इज एडिंग एलिमेंट्स विथ हाई इंडेक्सेस कैन क्रिएट अनडिफाइंड होल्स इन एन एरे. ओके, सो इस तरह से एज ए न्यू एलिमेंट टू द फ्रूट्स, एसोसिएट्स एरे. मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट्स एरे विथ नेम्ड इंडेक्सेस. And arrays with named indexes are called associative arrays or hashes. So JavaScript doesn't support array with named indexes. In JavaScript, arrays always use numbered indexes. Okay, in this way. Okay, जैसे आप लिखते हो normally. So here warning is if you use named indexes, JavaScript will redefine the array to a standard objects. After that, some array methods and properties will produce incorrect results. सो द थिंग इज दैट कि आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आपको इनपुट स्टेटमेंट के लिए क्या यूज करना है. नाउ कम टू द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट. जैसे आप नॉर्मली इफ, इफ एल्स कंडीशन लिखते हो, इफ एल्स इफ कंडीशन लिखते हो. इफ में क्या होता है, अगर जो भी कंडीशन दिए रहते हो, दैट कंडीशन अगर ट्रू हुआ, इफ 1 लेस देन 5 हुआ, या फिर 1 लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ देन द स्टेटमेंट ऑफ द ब्लॉक और वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो क्या होगा, द ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकलता है, दैट विल एग्जीट. वैसे इफ एल्स, अगर इफ में जो भी स्टेट आप कंडीशन दिए हो वो अगर फॉल्स हो जाता है, देन इट विल गो टू द कर्सर, गो टू द विच पॉइंट, एस पार्ट. एस पार्ट में जो भी स्टेटमेंट रहेगा दैट विल एग्जीक्यूट. अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट कम्स आउट फ्रॉम दैट एल्स स्टेटमेंट, एल्स ब्लॉक कोड से भी बाहर आ जाएगा. ओके, लाइकवाइज द इफ स्टेटमेंट इज द फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज द जावास्क्रिप्ट टू मेक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स कंडीशनली. जैसे इफ जो भी एक्सप्रेशन दिए रहोगे अगर ट्रू हुआ देन दिस विल एग्जीक्यूट, नहीं तो वो बाहर निकल जाएगा. मतलब ये जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे या फिर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हो, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू होगा देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये अगर फॉल्स होगा तो यहीं से वो इसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं जाएगा, जो भी स्टेटमेंट उसके अंदर नहीं जाएगा वो क्या हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा. सो नो स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूटेड. और यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल यूज कंपैरिजन ऑपरेटर व्हाइल मेकिंग द डिसीजन ऑब्वियसली. सो दिस इज वन एग्जांपल फॉर यू. सो हियर वेयर एज हम लोग लिए 20, इफ द एज इज ग्रेटर देन 18 देन क्वालिफाइंग फॉर ड्राइविंग. ओके, अगर नहीं है देन वो बाहर निकल जाएगा एंड इट एग्जिट्स. ओके, द सेट यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते, कुछ भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंगली टू योर प्रोग्राम. सो इसी वे में हम लोग यहाँ पे, अगर मैं रन करूँ, थोड़ा बोलते हैं इसको. ओके, सो अकॉर्डिंगली इट आउटपुट्स आपको शो करेगा, व्हिच क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग और नॉट वो दिखाएगा, या फिर अगर वो नहीं हुआ देन ये पैराग्राफ में जो भी लिखा हुआ है सेट द वेरिएबल टू डिफरेंट वैल्यूज एंड देन ट्राई लिखेगा. ओके, और अगर ये सेटिस्फाई भी किया दिस कंडीशन देन ये मैसेज दिखाएगा, देन ये मैसेज दिखाएगा. सो इफ एल्स में भी इफ एक्सप्रेशन ट्रू हुआ देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ देन एस का पार्ट में जो पी पार्ट रहेगा दैट विल एग्जीक्यूट. ओके, हियर इज द एग्जांपल, दिस थिंग्स एल्स पार्ट में डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग.
इफ स्टेटमेंट भी हम लोग यूज करते हैं क्या? इफ एक्सप्रेशन ये ट्रू हुआ देन ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ में ये अगर ट्रू हुआ देन द थर्ड वन देन दिस वन. ओके, सो देर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस कोड, इट इज जस्ट अ सीरीज ऑफ इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, वेर इच इफ इज अ पार्ट ऑफ द एल्स क्लोज ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द ट्रू कंडीशन, इफ नन ऑफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. ओके, लाइकवाइज यहाँ पे आपका जावा हम लोग ये किए हैं, असाइन किए हैं बुक को जावा, बट इफ बुक इक्वल टू आपका डीएस है नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स इफ में जावा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा. ओके, दिस थिंग. सो यहाँ पे आपका पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स इफ, ये भी आपका एग्जीक्यूट होगा. सो दीज आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द लूप. ओके, आई विल शो यू एंड रन दिस थिंग्स इन योर ऑनलाइन आईडीई टू बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ओके.